हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने Q&A वाले वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस दिया और आपको अच्छा लगा कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ 1-on-1। और मैं जो है, मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो, मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अब ये जो हमारा रिलेशन है ये 2-sided है ना। पहले मैं बोलती थी, आप सुनते थे, अब आप भी पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्पेसिफिक आंसर्स दूंगी आपके क्वेश्चंस के। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता लग पाएगा, मुझे टॉपिक मिल पाएंगे कि मैं, मुझे किन चीज़ों को आपको बताना चाहिए या आपको गाइड करना चाहिए। ओके, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को फुल्ली सेटिस्फाइड मैं कर सकूं और अपने आंसर्स से। और यहाँ पे मैं यूनिवर्स से भी हेल्प मांगूंगी कि प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़, अगर पर्सनली कोई मुझसे कुछ जानना चाहता है, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो मैं उनको उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे सकूं, प्लीज़ मुझे इस काबिल बनाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा Q&A का फर्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो एक ही, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन समअप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। और आप लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैं आपके आईडीज़ के नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं सब्सक्राइबर्स के नाम रिवील नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ क्वेश्चंस स्किप मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि सारे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन के आंसर में कोशिश कर रही हूँ उस हिसाब से देने की कि इन जनरल पे वो जो चीज़ें लागू होती हैं, जो बातें लागू होती हैं, तो आपको वैसे भी सुन लेंगे अगर आप पूरा वीडियो, तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कहूँगी, मैं इसको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा है कि, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि उनके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है। असहनीय का मतलब क्या होता है? जो सहन नहीं हो पा रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है? और वो साथ में ये बोल रहे हैं कि क्राउन चक्र में हो रहा है। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले मैंने यही चीज़ उठाई है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ क्राउन चक्र पे मत जाइए, चक्र से मत जोड़िए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा है तो आप जाइए और मेडिकल हेल्प लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, प्लीज़ 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 आप डॉक्टर को दिखाइए। ये आपके सर में कुछ सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप इसको क्राउन चक्रा पे लेके और इसको निग्लेक्ट मत करिए, ठीक है? इसको ऐसे मत सोचिए, इसको स्पिरिचुअल वे में मत सोचिए, पहले जाइए, पहले इसको आप मेडिकल अपना चेकअप करवाइए इसका, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि आपको कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो और आप उस चीज़ को जो है इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उस चीज़ को आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें चक्रा बाद में आता है, ठीक है? पहले आपको डॉक्टर से ओके रिपोर्ट लेनी है कि आपका सब कुछ ठीक है और आपके ओके रिपोर्ट है, तो उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये आपके क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ है। तो मैं आपको कहूँगी, प्लीज़ आप जाइए और अपना डॉक्टर चेकअप करवाइए, और जब अगर डॉक्टर आपको ओके रिपोर्ट देते हैं, यस करते हैं, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये क्राउन चक्रा है या उससे रिलेटेड कुछ है, तब आप पूछिएगा इस बारे में आंसर। ये क्वेश्चन आप मुझसे ना पूछ के प्लीज़ डॉक्टर से पूछिए, ठीक है? इसीलिए मैंने सबसे पहले यही वाली बात छेड़ दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट तो मुझे सबसे एक थोड़ा इम्प्रेसिव लगा क्वेश्चन, काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे इस क्वेश्चन ने। जनरली लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, लेकिन ये एक मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है मुझसे कि अगर हमारी सोल फैमिली, जिन लोगों से हम ये जो अवेकनिंग में आने के बाद, या फिर हम अवेकन होने के बाद जिन लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, हमारी जो सोल फैमिली होती है, जिन उन लोगों की भी अवेकनिंग हुई होती है, तो अगर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो वो कह रही हैं सब्सक्राइबर मेरी कि समटाइम ऐसे लोग जो हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद वो जो है नेगेटिव टॉक्स करते हैं, या तो या फिर नेगेटिविटी को थ्रो करते हैं ना,
क्या हमें तब अगर हमको क्लियरली फील हो रहा है कि हमारी सोल फैमिली जो है वो नेगेटिविटी थ्रो कर रही है हमारी साइड, या फिर इन जनरल में कोई ग्रुप बना के उसके अंदर नेगेटिव जैसे होता है ना समटाइम्स बायस्ड कमेंट्स करना, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या मुझे टच में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, वी हैव टू हम जो है अपने खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा और आप सब बाकी लोग भी, क्योंकि ये कईयों के साथ होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप एक सोल फैमिली के साथ होते हो और उनमें से कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ स्पिरिचुअल अपना अचीवमेंट्स कर लिए हैं और वो स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हैं और देन दे स्टार्ट टू डोमिनेट अदर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वहाँ भी डोमिनेशन होता है समटाइम्स। वहाँ स्पिरिचुअल ईगो तो बड़ी एक भयंकर चीज़ है, क्योंकि उसमें फिर सुधार की गुंजाइश भी नहीं रहती जिस बंदे में स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। तो देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि जब आपके आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और फिर आपको आप क्या करते हो, आप सोल फैमिली के नाम पे फिर भी उन लोगों से जुड़े रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि समटाइम्स मुझे आंसर्स तो मिलते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोलती हूँ कि इसलिए किसी से मत जुड़े रहिए कि जब आपको बात करने की नीड हो तब कोई हो और आपको कोई आंसर दे सके आपकी बातों के। देखिए, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, और क्योंकि ये डिवाइन जर्नी होती है, हमारी अवेकनिंग भी डिवाइन कराते हैं और हमको जर्नी में भी डिवाइन ही चलाते हैं और ये डिवाइनली गाइडेड ही जर्नी है बार बार कहा जाता है, तो हमको ज़रूरत नहीं है आउटर में किसी से गाइडेंस लेने की, अपने आंसर सीख करने की। ठीक है, या फिर इतने सारे यूट्यूब पे कोचेस हैं, आप उनसे डील कर सकते हैं। क्या होता है ना, सोल फैमिली जो आपस में करती है ना डील, वहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स ना मिसकंसेप्शंस इतने होते हैं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज होके रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए अपने आप के साथ। और सेकंड थिंग है, जितना हो सके मेडिटेट करिए ताकि आप आंसर्स जो है अपने अंदर ही आपको मिल सकें। ठीक है, जब आप बाहर आंसर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, जब आप अंदर आंसर ढूंढोगे, आंसर हर एक चीज़ का अपने अंदर ही इनबिल्ट है। ठीक है, तो आप जब अपने अंदर झांकोगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा, हर बात का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलना चाहती थी आपको कि अगर आप इस पर्पज़ से हम अगर को और फिर इससे आपकी को डिपेंडेंसी भी बनती है। ठीक है, अरे कुछ छोटा सा भी अगर एक ड्रीम भी आए तो चलो फलाने को फ़ोन कर लिया जाए, फिर वो आप उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, वहाँ आपका टाइम भी वेस्ट होता है, वहाँ आपका जो है आप एक फेक वर्ल्ड में चले जाते हो। ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को सिर्फ संतुष्ट कर लेते हो थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें करके, जबकि एक्चुअल इनर वर्क कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है आपके अंदर। ठीक है, इस टाइप के समटाइम्स ना पहले पहले मुझे भी लोग मुझे पूछा करते थे कि आपको ग्रुप में ऐड कर लें, आज तक मैंने हमेशा मना किया है कि मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना है, अगर समटाइम्स कोई कर भी लेता है तो मैं वो ग्रुप छोड़ देती हूँ, क्यों यही रीज़न होता है। ठीक है, और आपको तो पता है कि लॉ ऑफ कर्मा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर हमने हाँ में भी सर हिला दिया, कोई और ही चाहे कोई बात कर रहा है, लेकिन अगर हमने उसको यस भी कर दिया, यस या नो का भी रिस्पॉन्स कर दिया, तो भी हमारा कर्मा क्रिएट होता है। तो वाई शुड वी डू दिस ना, हमको अपनी जर्नी अपने दम पे अपने माध्यम पे हमको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़े डिटेल आंसर दूंगी ताकि आप लोगों को एक टॉपिक पूरा समझा सकूं। तो एक बात तो ये है कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आपको आंसर्स मांगने हैं आप डिवाइन से मांगिए, किसी अच्छे प्रोफेशनल कोच के पास जाइए। ठीक है, या फिर थर्ड थिंग है, आप अपने इनर सेल्फ से बात करिए, अपने हायर सेल्फ से बात करिए, वहाँ आपको हर एक आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, आपको किसी सोल फैमिली के डोमिनेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है इस नाम पे कि आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे या आपको कुछ वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ओवर कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है मुझसे कि उनको कुछ दिन से सपने आ रहे हैं जिसमें वो फ्लड देख रहे हैं
यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर देख रहे हैं। और फिर सुबह जब वो उठ रहे हैं तो उनके इमोशंस, मतलब वो जो हैं बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन में। तो देखिए, आप सबको पता ही होगा, अधिकतर में आप लोगों को अधिकतर को पता होगा कि वाटर जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जहाँ पे आप फ्लड देख रहे हैं, यानी कि आप बाढ़ देख रहे हैं, पानी, बहुत सारा पानी देख रहे हो आप, इट मीन्स यू हैव एन एक्सेस ऑफ जो बहुत ज़्यादा जो है इमोशन, आपका जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ पड़ा है, ठीक है। जिनका भी ये क्वेश्चन है वो समझें इस बात को, ठीक है। तो आपका इमोशनल साइड जो है वो, यानी कि आपका फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ पड़ा है। और यही रीज़न है कि जब आप उठते हो तो समटाइम्स आप लो वाइब्रेशन में होते हो, फिर अगर आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो लो में आ जाते हो ये ड्रीम्स को देखने के बाद। तो आपको अपना DMDF बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी कम हो रही है और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि आप इनर वर्क या तो ढंग से नहीं कर रहे हो, और या फिर अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो फिर अभी आपका DMDF बैलेंसिंग अच्छे से हो नहीं पाई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। और इसके अलावा आप कोई सेशंस ले सकते हैं, ठीक है, DMDF बैलेंसिंग के। तो आपको उससे फ़र्क पड़ेगा अपने आप, जब आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन जिनको भी वाटर के आते हैं ड्रीम्स, तो इट मीन्स इमोशनल साइड आपका रिप्रेजेंट करता है वाटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अगर हम एक मुझसे किसी ने पूछा है कि अगर हम DM के साथ टॉकिंग टर्म्स पे हैं, ठीक है, बातचीत होती है नॉर्मली, तो क्या उनको अवेकनिंग में डिले होगा या अवेकनिंग रुकती है? तो आपके लिए मैं आंसर बता रही हूँ, ये इन जनरल को भी पता लग जाएगा, ठीक है, आप लोगों को सबको, सबके लिए है ये आंसर कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बिल्कुल प्रॉपर सेपरेशन में चले जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग वर्क प्लेस पे होते हैं या कुछ लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, एक ज़्यादा फासले पे नहीं रहते हैं, मिलता जुलना होता रहता है। तो ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे आपको हल्का फुल्का बातचीत तो करनी पड़ती है, ठीक है, आपको बातचीत या टॉकिंग टर्म्स आपके होते हैं, ठीक है, या फिर समटाइम्स वैसे भी सोशल मीडिया पे आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे होते हो कि बातचीत चलती है, बट उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अवेकनिंग तब उनकी नहीं रुकती है अगर आप सिर्फ सिंपली टॉक करते हो, ठीक है, छोटा मोटा टॉक बिल्कुल। और अगर आप अपना एनर्जी उधर थ्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एनर्जेटिकली जब तक आप उनको चेज नहीं करते हैं तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अवेकनिंग का प्रोसेस होता है और चलता है, ठीक है, क्योंकि DF के अवेकनिंग भी DM के मौजूदगी में ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जब वो लोग टच में आते हैं तभी उनके स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे DM को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि फेमिनिन साइड जो होती है वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फेमिनिन्स क्या करती हैं, अपनी इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंड करना स्टार्ट कर देती हैं। जब उनको थोड़ा सा भी पुश फील होता है ना, वो बिल्कुल जाके अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, एक तो फेमिनिन्स, दूसरा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज अ गिवर। तो हम जब हमेशा ओवर गिवर होते हैं ना, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए कि बिल्कुल कट ऑफ हो गए, बिल्कुल सेपरेट हो गए, बिल्कुल कुछ बात भी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो दो एग्जांपल लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है, बिल्कुल सेपरेट वो लोग हो चुके हैं और कुछ भी किसी भी तरह से टच में नहीं है, बट वो जो पर्सन है वो सोते जागते उठते बैठते बस यही चीज़ सोचे जा रहा है, यही चीज़ सोचे जा रहा है। तो एनर्जेटिकली तो आपने लेट गो नहीं कर पाए हैं, आप जब आप लेट गो ही नहीं कर पाए एनर्जेटिकली, तो वो कॉर्ड तो जुड़ा, मतलब वो सॉरी कॉर्ड तो हमेशा ही खैर जुड़ा होता है, तो वो एनर्जी तो आपकी पहुंच रही है, ठीक है, किसी ना किसी भी रूप में। अगर आप नेगेटिवली याद कर रहे हो तो नेगेटिविटी के रूप में, पॉजिटिवली याद कर रहे हो तो एक्सेस लव के रूप में, एक्सेस इमोशंस के रूप में। तो ये चीज़ जो है फिर वो रनर को और ज़्यादा रन करने पे मजबूर करती है, उसको और ज़्यादा चिढ़ाती है, ठीक है। और इसके अंदर मजे की बात ये है कि आप लोग 3D वर्ल्ड में जरा भी टच में नहीं हो,
ठीक है, एक एग्जांपल ये। सेकंड एग्जांपल, दो लोग हैं जो पास आए लेकिन उनका नहीं, मतलब वो चीज़ कनेक्शन डेवलप उतना नहीं हो पाया, एक ने रन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बट जो अभी भी उनका ऐसा कुछ सिचुएशन है कि वो लोग जो हैं वो हल्का फुल्का टच में हैं या फिर वो टॉकिंग टर्म्स पे हैं, बातचीत होती है। बट अगर चेजर जो था पहले, ठीक है, अगर जो चेजर था पहले जिसकी वजह से रनर ने रन किया था या अपने बाउंड्रीज सेट किए थे, तो अगर चेजर जो है वो सिंपली, जो पहले चेजर था सॉरी, वो अगर सिंपली अभी टच में रहता है लेकिन वो अपनी किसी टाइप की एक्सेस एनर्जी थ्रो नहीं करता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है अवेकनिंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये उस इंडिविजुअल की अपनी अवेकनिंग है, हर एक की अपनी जर्नी है, दोनों ही चाहे एक सोल का पार्ट है लेकिन जर्नी दोनों की अलग अलग है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे, बस ये ध्यान रखिए कि एक्सेस एनर्जी आपकी अगर जाती है देन इट कैन इरिटेट ना। समटाइम्स ये होता है कि चेजर जो है वो चेज करना बंद कर देता है, बट फिर रनर लौट के आता है चेजर बन के, उस टाइम पे जो पहले चेजर था उसको भी इरिटेशन होती है जब वो अनअवेकन्ड फॉर्म में, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में वापस आ जाता है अगर रनर, तो इवन जो पहले इतनी बुरी तरह चेज करता था उसको भी अब चिढ़ होने लग जाती है, उसको ना चिढ़ मचने लग जाती है उसकी इमेच्योर एनर्जीज देख के, ठीक है। तो ये आपने समटाइम्स खुद भी फील किया होगा, जब आपका रनर लौट के आता है और फिर वो इमेच्योर बातें करता है या आपसे इमेच्योरली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, देन यू ऑटोमेटिकली गेट इरिटेटेड, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया तो आप इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, आपका आप बैलेंस हुए। यहाँ पे यही चीज़ वर्क करती है, आप अपना एनर्जी मत थ्रो करिए, आप ओवर डिपेंडेंट मत हो जाइए, आप उनसे कुछ भी, आप डिमांडिंग वाली एनर्जी मत रखिए, वांटिंग वाली, तो फिर आप नॉर्मली अगर टॉकिंग टर्म्स में तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, बट अगर आप एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो फिर उस सेपरेशन से भी आपका, उस सेपरेशन में भी आपका कोई वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है, आपके ऊपर। और जिन लोगों का वर्क, जिन लोग जो एनर्जेटिकली लेट गो कर देते हैं, उनका वर्क टच में रहते हुए भी चालू रहता है, ठीक है, तो समझिएगा इस बात को। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमको हमारी इनर वॉइस ये बता रही है कि दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम और यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो क्या हमको मान लेना चाहिए? अब यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, रीडिंग का अपने मायने हैं अपनी जगह पे, ठीक है, और जो एनर्जी चेक है उसके भी अपने मायने हैं अपनी जगह पे, ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फर्म अगर कोई होता है कि वो ट्विन फ्लेम है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा कन्फर्म आपको खुद पता होता है, ठीक है, आपके अंदर में खुद आपको पता होता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं वो ज़्यादा दिन इस चीज़ को, हो सकता है पहले पहल वो इस टॉपिक से अट्रैक्ट होके या इस कंसेप्ट से अट्रैक्ट होके वो आ जाए, इसके अंदर इंटरेस्ट लें या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन वो ज़्यादा दिन उस चीज़ से जुड़े रह नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहने में वैसे बड़ा अट्रैक्टिव सा कुछ है, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस सा, अट्रैक्टिव सा कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जर्नी उतनी ही डिफ़िकल्ट, उतनी ही पेनफुल भी है, ठीक है, तो हर कोई इस जर्नी को अपनी मर्जी से परस्यू नहीं कर सकता है जब तक कि उसका इंटरनल पुश नहीं होगा, समझिएगा आज इस बात को, ठीक है, जब तक उसको वो इंटरनली पुश नहीं होगा। एक ट्विन फ्लेम की लाइफ आप जब देखोगे, वो उसकी लाइफ कितनी भी दर्द भरी हो, कितनी भी, बट उसको एक इनर पुश होता है कि उसको ये जर्नी कंटिन्यू रखना है, उसको ये जर्नी कंटिन्यू करना है, उसको कुछ भी, उसको चाहे नो मैटर कितना भी दुख तकलीफ कष्ट से वो निकल रहा है, लेकिन उसके लिए जर्नी फिर भी सबसे ऊपर है, बहुत प्रीशियस है, ठीक है, उसके लिए डिवाइन से कनेक्शन अपना सबसे ऊपर है,
अब ये जो 3D के कनेक्शन होते हैं, ये पहले पहले हो सकता है अट्रैक्ट होके, मैंने बोला ना कि जैसे मिस्टीरियस सा कुछ कनेक्शन लगता है लोगों को समटाइम्स, समटाइम्स लोगों को लगता है कि बहुत कुछ पावरफुल वाला कनेक्शन है, बहुत कुछ अलग सा स्ट्रेंज, मतलब लोगों को डिफरेंट का शौक होता है ना कि तो वो लोग हो सकता है अपने आप को प्रूव भी कर लें, जैसे तैसे अपने आप को ये विश्वास भी दिला लें कि नहीं वो भी ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन आज नहीं तो कल वो इस जर्नी को परस्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली रियल ट्विन फ्लेम्स कैन परस्यू दिस जर्नी। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि आपका इनर वॉइस ही आपको बताता है। आप कितना भी कहीं से पता कर लें, चाहे आप किसी से, किसी और से कितना भी कंफर्म कर लें, बट आखिर में मान लीजिए कि आपको किसी रीडर ने बता दिया कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या मान लीजिए किसी ने आपके एनर्जी के थ्रू आपको बता दिया कि नहीं आप तो ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, बट जर्नी को परस्यू करने के लिए तो आपका इंटरनल ही होगा ना पुश। वो आप किसी के कहने पे और किसी ने कह दिया है केवल इस वजह से तो नहीं ना आप तकलीफ में दुख में रह सकते हैं। ओनली अ जेन्युइन ट्विन फ्लेम कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, तो जो लोग ज़बरदस्ती अपने आप को प्रूव करेंगे वो थोड़ी टाइम बाद जो है उनको वो हार मान जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और उनका जो है मोह भंग हो जाता है। और एक जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो जर्नी को परस्यू करता है नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज़, कितनी भी पेनफुल हो, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जर्नी को परस्यू करने में बिलीव करता है, उसको वही प्यारी लगती है अपनी जर्नी। ठीक है, आई होप मैंने आपको इसका बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बाकी के क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी, मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और आई होप मैंने आपको मेरे क्वेश्चन से मेरे आंसर से आपको जो है डेफिनेटली अच्छा लगा होगा और अपने जवाब मिले होंगे। तो मुझे अपना रिस्पॉन्स बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।